नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास बोल में हम आपके सामने हाजिर है फिर एक ऐसे मुद्दे को लेकर जिस पर आपको मुंह खोलना जरूरी है, क्योंकि देश के युवराज ने ऐसा मुंह खोला है कि मुंह काला करने की नौबत आई है। ऐसे में आपकी राय जरूरी है। हम हमेशा कहते हैं कि हमारा देश चांद पर जा रहा है, हम ऐसे ऐसे चीजें करने जा रहे हैं जिसका इस देशवासियों को स्वाभिमान और गौरव होना चाहिए। और हमारे देश के नेता है जो तुलना करते हैं भारत की बगदाद से, जो तुलना करते हैं अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, इराक से। क्या नजरिया है हमारे भावी प्रधानमंत्री का, हम खुद देख चुके। इसके खिलाफ अगर नहीं बोलेंगे तो कल भुखमरी कहीं पर हुई तो राहुल गांधी इथोपिया का उदाहरण देंगे। ऐसे सब बेलगाम बातों को अगर लगाम लगाना है तो देश के असली राजा आपको ऐसे युवराज को बताना पड़ेगा कि आप क्या सोचते हैं। आइए नजर डालते हैं पहले मुद्दे पर। देश के युवा नेता और देश के भावी पीएम माने जाने वाले कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी कहते हैं कि देश में होने वाले प्रत्येक आतंकी हमले को रोकना मुमकिन नहीं। किसी आतंकी हमले को अकेले रोकना बहुत कठिन है। 99% हमले रोके जा चुके हैं, हमें 100% हमले अवश्य रोकने चाहिए। अमेरिका में 9/11 के बाद कोई हमला नहीं हुआ, लेकिन अफगानिस्तान, ईरान और इराक में हमले जारी हैं। लेकिन इसे हर वक्त रोक पाना असंभव है। राहुल गांधी का बयान बड़ा ही गैर जिम्मेदाराना और दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तरफ वो किसानों से झूठी सहानुभूति दिखाते हैं, दूसरी तरफ ऐसे बयानबाजी करते हैं। आखिर वो कब समझेंगे कि आतंकवाद का मसला कोई मजाक नहीं है? अगर वो कुछ कर नहीं सकते तो जनता के जले पर नमक तो न छिड़कें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो कुछ करना ही नहीं चाहते? हर कोई हमले पर अपना पल्ला झाड़ रहा है और राहुल ने तो अपने हाथ ही खड़े कर दिए कि हमले रोकना मुमकिन नहीं। वाह राहुल वाह, क्या ऐसे होते हैं देश के कर्णधार जो लड़ने से पहले ही हथियार डाल दे? राहुल का बयान बहुत ही गैर जिम्मेदार है। ऐसा बयान देकर वो देश का अपमान तो कर ही रहे हैं, साथ ही ये भी बता रहे हैं कि वो देश की सुरक्षा के बारे में कितना सोचते। 13 जुलाई के हमले पर राहुल ने सरकार का बचाव किया और कहा कि सरकार ने हमले के बाद व्यवस्थित ढंग से कदम उठाए। उस पर से दिग्विजय की दलील कि पाक से तो हम बेहतर हैं ने फिर से ये दिखा दिया कि वो आतंकी समर्थक है। एक तो राहुल का गैर जिम्मेदाराना बयान, उस पर से बचाव में दिग्विजय का ये कहना कि भारत पाकिस्तान से बेहतर स्थिति में है, जहां हर दिन हर सप्ताह धमाके होते हैं, यहां तक कि अमेरिका में भी 9/11 जैसा हमला हुआ। ये जाहिर करता है कि इन लोगों को देश से कोई मतलब नहीं है और वो आतंकवाद को खत्म करना ही नहीं चाहते। ये बयान न केवल मुंबई का बल्कि पूरे देश का अपमान है। मुंबई वासियों की हिम्मत की दाद देने के बजाय सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि मासूम लोग सुरक्षित रहें। ये बयान कि हर आतंकी हमले को रोका नहीं जा सकता दुर्भाग्यशाली है और बहुत ही बेतुका। दिग्विजय सिंह ने तो कुछ नया नहीं कहा, वो तो अपने बेतुके बयानों के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने राहुल का बचाव करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भारत की स्थिति पाकिस्तान से बेहतर है, जहां हर दिन हर हफ्ते विस्फोट होते हैं। अमेरिका पर भी 9/11 के हमले हुए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का बयान एक कॉमन सेंस का तर्क है। अरे भाई, ये राहुल का कैसा कॉमन सेंस है जो बड़ा ही अनकॉमन है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो देश को आतंकवाद से कोई नहीं बचा सकता। अगर ये देश के भविष्य है तो अब तो देश का भगवान ही मालिक है। आज से हम आपके लिए एक SMS का नया नंबर शुरू करें। स्क्रीन पर चल रही इस नंबर पर आप SMS करेंगे तो इंस्टेंट तुरंत ही जैसे आपके कॉल को लिया जाता है वैसे आपके SMS को भी लिया जाएगा। इस SMS पर पहला SMS भेजा है शुभांगी पाठक पूना से। लिखते हैं कि राहुल गांधी अपना आंदोलन नहीं लगता है दिमाग भी पैदल चला रहे हैं और इसी का ये परिणाम है। आप भी SMS भेजिए और तुरंत तुरंत रिप्लाई लोगों तक पहुंचाइए। पहले कॉलर से बात करते हैं। बेपरवाह बोलिए, बेपरवाह तो नेता हो गए मारवा जी। हाँ जी हाँ, राहुल जो बयान कर रहे हैं भारतीयों को परेशान, दोनों है इंसान या आह्वान कीजिए आप पहचान। इन बयानों से यही लगता है कि इन दोनों को पता है कि बाद में अब हमले होने वाले हैं। ये इनके साथ मिले हुए हैं, इनकी आतंकवादियों से पूरी सांठ गांठ है, इसीलिए तो ये कैसे कहते हैं कि ये हमले रुक नहीं सकते। भारत का गृह मंत्री उसको बना दिया गया है
जो ना हिंदी समझता है ना हिंदी बोल सकता है, वो जो देश की भाषा नहीं समझ सकता वो देश की दशा क्या समझेगा। वो सब इसलिए गृह मंत्री बनाया गया है क्योंकि वह सोनिया की सहेली का पति है, राहुल का मौसा है। राहुल जी आप अगर ये यहाँ नहीं संभाल सकते, आपके पास भगवान ने इतना पैसा दिया है, आप जिंदगी भर खाते रहे खत्म नहीं होगा, इसलिए आप अपनी नानी के यहाँ चले जाएं, नहीं तो यहाँ के भारतीय लोग आपको नानी याद करा देंगे, समझे। आपने देखा बेपरवाह नेता होकर मारवा का ये सिक्सर। आप भी अपनी प्रतिक्रिया को दे सकते हैं, अगले कॉलर की भी ऐसी प्रतिक्रिया हम आपके सामने लेकर आते हैं। हेलो, आप भी अपनी राय दीजिए स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर फोन करके। नमस्कार। नमस्कार सर, राजस्थान के चूरू जिले से अनुप सारथोट बोल रहा हूँ सर। बोलिए। हाँ सर, ये राहुल जी का ये जो बयान है ये बिल्कुल ही गैर जिम्मेदाराना और बचकाना किस्म का बयान दिया इन्होंने। क्या किसी को 100% हम सुरक्षा नहीं दे सकते? बिल्कुल, क्या सुरक्षा नहीं दे सकते 100% किसी को? नहीं दे सकते, हमें ऊंचे पदों पर आसीन होने का मतलब क्या? वित्त मंत्री मोदी पे ये तो आम बात है, और राहुल जी है जो भारत जैसे महान देश जो विश्व गुरु है सबका, उसकी तुलना अफगानिस्तान पाकिस्तान जैसे आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले देश से करनी हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है। क्या ये ऐसा जो कांग्रेस जिसको भावी प्रधानमंत्री के रूप में लेके चल रही है उस तरह के उसके द्वारा इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, तो ये बहुत ही भारत के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये। बिल्कुल अनुप जी, धन्यवाद आपने प्रतिक्रिया देने के लिए। यहाँ पर दूसरा SMS है, संजय शर्मा दिल्ली से SMS करके कह रहे हैं कि कांग्रेस का ही नहीं देश का भविष्य किस दिशा में जा रहा है खुद देखिए, रोना है तो रुझिए नहीं तो चुप बैठ जाइए, हम तो बोलेंगे इसलिए सुदर्शन पर SMS कर रहे हैं। आप भी SMS कर सकते हैं। अगले कॉलर से बात करते हैं। राहुल गांधी का आतंकवाद पर ध्यान भारतपूर्ण तो है ही, उनकी अपरिपक्वता भी दर्शाता है। मैं सोचता हूँ कि क्या हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के मेंबर का स्तर इतना नीचा चला गया है कि ऐसे अयोग्य व्यक्ति नाटककार झूठे आश्वासनों के बल पर अमेठी की जनता को फुसला कर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाते हैं, और अमेरिका के एम्बेसडर से बेशर्मी से कह देते हैं कि हिंदुस्तान को ज्यादा खतरा भगवा आतंकवाद से है। संभवतः कांग्रेस पार्टी बिकाऊ मीडिया पर राहुल गांधी की छवि बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, इसीलिए तो उन्हें युवराज के नाम से प्रचारित किया जाता है और उनके रोड शो की महिमा मंडित किया जाता है। अब जनता जान गई है, और गुजरात और बिहार के चुनाव में कांग्रेस की दुर्गति के लिए भी उन्हें जिम्मेवार माना जा रहा है। बिकाऊ मीडिया एवं मैडम के चाटुकार उन्हें भावी प्रधानमंत्री कहते रहे हैं, पर भारत की जनता अब इतनी बेवकूफ नहीं रही है कि बिल्कुल। चांदना जी, आपकी प्रतिक्रिया पहुंची है, और अगर आप जैसे देशभक्त बुजुर्ग अगर राहुल गांधी के बयान को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो राहुल को जरूर अपने भविष्य के बारे में सोचना जरूरी है। और एक कॉलर से बात करवाते हैं, लगातार कई कॉलर बात करे लेकिन हम कॉलर के पहले यहाँ पर MMS लेते हैं, क्योंकि MMS भी आप बड़ी मात्रा में करें ऐसा हम चाहेंगे, क्योंकि आपका MMS सीधे वीडियो में आपकी बात को लोगों तक पहुंचाता है, इसलिए MMS भी एक अच्छा माध्यम है। देखिए आज का एक ये MMS। राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा कि सभी आतंकवादी हमलों को नहीं रोका जा सकता। मैं राहुल गांधी से पूछता हूं, उन्होंने कितने आतंकी हमलों को रोक लिया है? इस तरह के बयान से हमारे देश की जनता के दिलों में जो आतंकवाद का डर कम है पहले से वो और बढ़ेगा, और हमारे देश अपने देश के अंदर देशवासी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे। हम नजर डालते हैं कारणों पर कि क्या कारण है ऐसे बयान के। राहुल का अज्ञान। राहुल गांधी पे राजनीतिक अज्ञानता का आरोप लगता है। अब तो उन्होंने आतंकवाद जैसे महत्वपूर्ण समस्या पर भी अज्ञान प्रकट करके लोगों के आरोपों की पुष्टि की है, यह भी उनके बयान का एक प्रमुख कारण है। असफलता को छिपाने का प्रयास। कांग्रेस सरकार की आतंकवाद पर विफलता सब कुछ करने के बाद भी छिप नहीं रही है, ऐसे में अब आतंकवाद को स्वीकार्य बनाने का प्रयास हो रहा है, यह बयान उसी का एक हिस्सा है। राहुल के गुरु ज्ञान का परिणाम। किसी के भी व्यक्तित्व या ज्ञान से आप उसके तालीम या शिक्षा का या गुरु के प्रभाव को देख सकते हैं। राहुल गांधी के फिलहाल के गुरु
बड़बोले दिग्विजय सिंह हैं। पहले बोलना फिर सोचना, यह आदत राहुल गांधी में भी संस्कारित होती दिख रही है। इसलिए यह बयान उनके गुरु के ज्ञान का परिणाम भी कहा जा सकता है। असंवेदनशीलता का एहसास। राहुल गांधी ही नहीं, देश के ज्यादातर नेताओं को आतंकवाद जैसे देश और समाज से जुड़े मुद्दों पर ऐसे बचकाने बयान देते अक्सर देखा जा सकता है। यह उनकी असंवेदनशीलता का परिणाम है। नीचेपन की मानसिकता। राहुल गांधी की ही नहीं, देश में ऐसे नेताओं की कमी नहीं है जो भारत जैसे विशालकाय महान देश की तुलना अमेरिका या इंग्लैंड से करने के बजाय पिछड़े हुए देशों से करते हैं। भारत के तरफ पूरी दुनिया कई समस्या का समाधान के तरफ के देख रही है। दुनिया को लगता है कि दुनिया के कई समस्याओं का समाधान भारत के पास है, लेकिन हम उन देशों की तरफ देख रहे हैं जो देश अब डूबने के कगार पर हैं, या यूं कहे तो डूब चुके हैं। हमारे नेता कहां लेके जाना चाहते हैं इस देश को? देश ओ जो दुनिया की आशा है, या देश ओ जो दुनिया के लिए एक कब्रगाह बना हुआ है? एक कॉलर से बात करते हैं, उनकी राय लेते हैं इस विषय पर। नमस्कार। हाँ बोलिए। नमस्कार सुरेश भाई, बोलिए। हम मारा से बात कर रहे हैं, दिल्ली से। हाँ हाँ बोलिए। अभी जो राहुल गांधी के ऊपर जो भाषण चल रहे हैं ना, जो बात कर रहे हैं राहुल गांधी, जो बयान दिया है उन्होंने। हाँ हेलो, बोलिए बोलिए। हाँ, जो बयान दिया है उन्होंने गलत बयान है उनका। जो उनके माता जी ने बयान दिया है उनका बयान वही आ रहा है। जो रामदेव बाबा के साथ उन्होंने दगाबाजी किए थे, वहां पे उन्होंने हुकुम सही बताई थी, अभी भी हुकुम सही बता रहे हैं। उनकी सत्ता है जो है वो हिसाब से चल रहे हैं। धन्यवाद राय देने के लिए। आपकी राय हमारे लिए स्वागत आ रहे है। आज के मुद्दे से जुड़े हुए प्रतिक्रियाओं के साथ आप तैयारी के साथ बात करिए तो शायद आपकी बात ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी, और प्रभावी तरीके से बात रखेंगे तो लोग मुद्दे को समझेंगे। लोग मुद्दा समझे, उस पर अपनी राय बनाने, ये कार्यक्रम का उद्देश्य है। केवल ज्यादा लोगों को बोलने का मौका देने का नहीं, इसलिए अपनी बात रखते समय इस मौके का करोड़ों लोगों तक विचार पहुंचाने का मौका समझकर बात करिए, तैयारी करके कॉल करिए। अगले कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। हाँ जी बोलिए। अजी बोलना क्या, राहुल गांधी बेचारा जाने का क्या? हाँ, उसका तो बाप मर गया, वो उसको नहीं देख पाया। माँ ने दे दिया चांदी का चम्मच मुंह में, वो खा रहा ऐश कर रहा। अरे हम आतंकवादी हमला रोक नहीं सकते, ये सही है, लेकिन उसका मुंह तोड़ जवाब तो दे सकते हैं? या वो भी नहीं है, दे सकते हैं? हमारी आर्मी सक्षम है, देश की जनता है। कारगिल की लड़ाई में बीजेपी गवर्नमेंट ने भी हजारी फैला दी थी कि युद्ध के लिए पैसा नहीं है, ये भी तो हाँ बढ़ते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं चलेगा, ये देश हमेशा से लुटता आया था, गुलाम थे, गुलाम है, गुलाम ही रहेंगे। ये इन्हें एक परिवार दिख रहा है, नेहरू परिवार, बस। बाकी देश में कोई सरकार चलाने वाला नहीं है कांग्रेस में, ठीक है जी, बस इतना ही कहना। धन्यवाद। सुदर्शन पे और बिंदास बोल पे पूरा लोकतंत्र है, आपको आपकी बात रखने का हक है। कभी कभी असंवैधानिक बात भी लोग रखते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि असंवैधानिक काम करने वाले सरकार के सामने असंवैधानिक बात करने वाले दर्शक की सुनने तो पड़ेगी ही।